तो यहाँ पे हम लोगों की जो मैगी है वो कंप्लीट हो चुकी है, तैयार हो चुकी है। नेक्स्ट क्या मिलेगा अब नेक्स्ट खाने में? पॉपकॉर्न के लिए बोल रहे हैं, पॉपकॉर्न मिलना चाहिए, जो भी हो तो लाना। ओके, जो खारदुंगला था वो यहाँ पे 5100 something meters पे था, और उसके बाद से यहाँ पे देखो कंटिन्यूस बर्फ जमी हुई है और रोड की कंडीशन भी यहाँ पे ख़राब है। तो थोड़ा सा धीरे धीरे मैं आराम से चला रहा हूँ। वो दोनों लोग अभी पीछे, तीनों लोग वहाँ पीछे रुक के फोटोग्राफी कर रहे हैं, बट मैं रिस्क नहीं लेना चाहता क्योंकि यार वो जब AMS होता है ना तो ऐसा पूरा दिन ख़राब हो जाता है, माथा ख़राब रहता है और इतनी ज़्यादा प्यास वगैरह लगती रहती है, फिर टाइमॉक्स लो और वो लो, तो मैं नहीं चाह रहा कुछ लेने के, मेरी इच्छा नहीं है। अभी यहाँ पे कंटिन्यूस पानी वाटरफॉल चल रहा है क्योंकि जो ग्लेशियर है ये पिघल के नीचे जा रहा है, तो यहाँ थोड़ा आराम आराम से ही लेते हैं। ओ भाई साहब आ गए तो ख़तरनाक आ गई है, तो देख के लेनी पड़ेगी। ओके ओके, निकल गई। ओ पत्थर पे गई, निकल गई। ओके ओके, देख के ओके। ओ हो, काफ़ी टफ। एक्चुअली डामर के साथ प्रॉब्लम है कि वो पानी के अंदर टिकती नहीं है, इसलिए ये सब प्रॉब्लम आती है। ओके 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 ओके, गिरना मत। हाँ, आगे से ट्रक आ रहा है, मुझे रुकना पड़ेगा इधर। रुक जाते हैं, इसको जगह दे देते हैं। ओके, नॉट इजी टास्क। बहुत ही ज़बरदस्त बहाव आ गया, अब देख के लेना पड़ेगा। ओ भाई साहब बहुत ही ज़्यादा लूज़ रोड आ गई है, तो यार लूज़ है। ओके, अब मेरे को हल्के चक्कर से फील होने लग गए हैं। लिटरली यार चक्कर आ रहे हैं मुझे, और सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये वाटर क्रॉसिंग तो ही, लेकिन जो है यहाँ पे जो पत्थर हैं वो काफ़ी लूज हैं यार, जिसके कारण दिक्कत आ रही है। ओके, बहुत लूज पत्थर हैं यहाँ पे। ओ बहुत ही बड़ा बर्फ़ का पहाड़ सामने की साइड, बहुत से लोग रुक के फोटोग्राफी करा रहे हैं, मेरे को चक्कर से आ रहे हैं। हर कोई बोलता है कि भाई मोटो ब्लॉग के अलावा आप ब्लॉग भी करो, लेकिन जिस हिसाब की यहाँ पे देखो बर्फ़ बहुत ही ज़्यादा है। ओ माय गॉड, क्रॉसिंग बहुत तगड़ी है, यहाँ फंस गए तो दिक्कत हो जाएगी, जाके देख के आ जाए क्या। अकेला हूँ यार, ये समस्या ये है। निकल गई। तो पूरी बर्फ ही बर्फ। एंजॉय कर रहे हैं बर्फ को, काफी हार्ड पेस था, निकल गए। सांस बहुत ज्यादा फूल रहा है इसलिए ज़्यादा बोलूँगा नहीं, और नीचे चलते हैं। एल्टीट्यूड 100 मीटर कम हुआ है, लेकिन और कम करते हैं। तो वहीं यहाँ पे अभी अपनी बाइक का नाम लिख दिया है चांदनी, और यहाँ से अब हम नीचे चलेंगे। तो थोड़ा हम 3000 या 4000 एल्टीट्यूड पर पहुँच जाएँ फिर ठीक है, फिर लंच वगैरह करेंगे, अब तो शायद नीचे उतरने का ही काम है। तो चलो भाई, फाइनली हमने खारदुंगला भी सक्सेसफुली कर लिया, काफ़ी ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था, ज़िंदगी में एक बार करना था, जो कंप्लीट कर लिया। अब तो बस कोई ख़ास हाइट वाली चीज़ें हैं नहीं, अब नीचे जहाँ जाएंगे वहाँ गर्मी वाला मौसम रहेगा, तो 2-3 दिन और लद्दाख में चिल करेंगे, उसके बाद हम टाटा बाय बाय करके निकल जाएंगे श्रीनगर की तरफ। बाय 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 खारदुंगला,
बाय बाय, बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर, और ज़्यादा अच्छा इसलिए लगा कि तुमने हमें परेशान नहीं किया, क्योंकि बादल अच्छा लगा पास था ना, वो बड़ा ही मैं कहूँगा हरामी था। हम लोग उधर से आए, उसने इतना परेशान किया जिसकी कोई हद ही नहीं यार, हद ही नहीं। लेकिन खा दूंगा भाई, ठीक रहे, अभी तक कोई परेशानी नहीं है, किसी को कोई परेशानी नहीं है, सब लोग आराम से कर रहे हैं। बाय बाय खार दूंगा, बाय बाय, मिलते हैं फिर, कभी मिलते हैं, आते हैं आपके पास वापस मौका लगेगा तो, क्योंकि आपके पास आने के लिए यार 15 दिन चाहिए होते हैं, 15 दिन निकाल पाना बड़ा ही मुश्किल काम है हम लोगों के लिए। अच्छा, रोड ही ख़राब है, पानी वाला सीन नहीं है, क्योंकि जो नाला है उसको रोड के नीचे से शिफ्ट कर दिया गया है। बीआरओ एक बात है आपकी, जितनी वो मैक्सिमम हेल्प कर सकते हैं आपकी इस राइड पे वो करते हैं, लूज ही पत्थर है तो दिक्कत हो सकती है। ओके ओके, मैं इस किनारे पे नहीं जाना चाहता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अगर 1% से कोई बैलेंस वगैरह बिगड़े तो कोई प्रॉब्लम होए, तो मैं कोशिश करता हूँ कि राइट साइड से ही क्रॉस कर लूँ, राइट में जाता हूँ मैं, गाड़ी स्लिप मार रही है उस साइड। यार देखो किस तरह से ग्लेशियर पिघल के यहाँ पे आ रहे हैं, अब जैसे जैसे धूप बढ़ती जाएगी यहाँ पानी बढ़ता जाएगा, और अभी तो ये छोटे मोटे क्रॉसिंग है, ये धीरे धीरे तेज होते जाएंगे। बहुत ही डिफिकल्ट था, तो यहाँ पे भाई खारदुंगला से साइकिल लेके आ रहे हैं, वाह यार वाह। तो अभी हम 4500 के एल्टीट्यूड पे तो आ चुके हैं, और यहाँ पे मतलब एक बार कंफर्म कर दूँ, जी हाँ 4400 के एल्टीट्यूड पे आ चुके हैं, और हम अभी जा रहे हैं नॉर्थ पुल्लू। खलसर जाना है कि नॉर्थ पुल्लू जाना है? जी हाँ नॉर्थ पुल्लू जाना है शायद, क्योंकि वो लोग रुके नहीं, अगर खलसर जाना होता तो रुकते। तो अभी हम जा रहे हैं नॉर्थ पुल्लू, यहाँ से 1 ही किलोमीटर है, यहाँ से देखिए नॉर्थ पुल्लू की बॉर्डर शुरू हो चुकी है, और वो साइकिल वाला भाई तो ऐसा डायरेक्ट शॉर्टकट लेके आ गया। हम शॉर्टकट नहीं लेंगे, क्योंकि हमें सेफली राइड कंप्लीट करनी है पूरी। कल परसों शॉर्टकट के चक्कर में शुभम की लग गई थी लंका, वो तो अच्छा हुआ बाइक में कुछ टूट फूट नहीं हुई, नहीं तो भाई साहब यहाँ से बाइक फिर टो करके लेके जानी पड़ती। लोग बागों को लगता है कि जो बाइकर्स होते हैं ऐसे तैयार रह के ऐसे आते हैं, वो तो भाई साहब खींच के रपा के ऐसे लेके जाएंगे, नहीं नहीं भाई नहीं, हम नहीं कर सकते, हम बिल्कुल सॉफ्ट तरीके से चलाते हैं, एकदम आराम आराम से। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन पहुँच जाएंगे सेफली। अब हम आ चुके हैं यहाँ पे नॉर्थ पुल्लू के अंदर। कुछ एंट्री वगैरह करवानी है क्या? कहीं कोई एंट्री वगैरह कुछ नहीं, कोई रोकने वाला कुछ नहीं, तो चलो। तो हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे नॉर्थ पुल्लू के अंदर। तो अभी हम लोग जो खारदुंगला था वो कंप्लीट करके नीचे यहाँ पे जो नॉर्थ पुल्लू है वहाँ पे आ गए हैं, और टाइम की मैं बात करूँ तो 2 बज चुके हैं, और हम लोग अभी जैसे कि सुबह केवल ब्रेकफास्ट करके निकले थे, तो यहाँ पे जय भाई ने प्रोग्राम बनाया है कि वो अब सबके लिए कॉफ़ी विथ मैगी बनाएंगे। तो अभी यहाँ पे जो ऊपर से जो पानी आ रहा है, इसी के पास यहाँ पे एक बड़ी ऐसी लोकेशन मिली है, तो इस लोकेशन पे बैठ के यहाँ पे देखते हैं, कुकिंग करते हैं, और यहाँ पे मैगी बना के खाते हैं, और फिर मिलते हैं आपसे आगे। तो चलो देखो, जय भैया बोलते हैं कि वो बहुत अच्छे शेफ़ हैं, उनकी कुकिंग इंजॉय करते हैं, चलो। मैं इस समय ब्लॉग कर रहा हूँ वो नदी के किनारे पे, और आपको जो साउंड आ रहा होगा इसका, भाई साहब पानी काफ़ी तेज है, पानी हालांकि कम है, ये सीधा वहाँ ग्लेशियर से ऊपर से पिघल के आ रहा है वहाँ से। और मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे जय भाई साहब का किचन चालू हो गया है,
हम लोगों के लिए, सबके लिए मैगी बनाई जा रही है यहाँ पे इन द स्टाइल ऑफ शेफ जे यादव ब्लॉग्स। और भाभी जी उनकी हेल्प कर रही है वहाँ पे, और शुभम वहाँ पे अपने जो ये भालू मित्र हैं इन भालू मित्रों के साथ फोटोग्राफी करने में लगा हुआ है। ओ भाई साहब पानी देखो यार, एक नंबर। यहाँ पे हम लोगों की जो मैगी है वो कंप्लीट हो चुकी है, तैयार हो चुकी है, और अब हम लोग इसको एंजॉय करके खाते हैं। क्या बोलते हो जय भाई, कैसी बनी आई है आपने? अरे भाई एक नंबर। जय भाई ने एक नंबर बनाई है, तो हम इसको दो नंबर में सलटा देते हैं। नज़ारों के साथ यहाँ पे मैगी का आनंद लिया जा रहा है। एक तो मैगी यहाँ पे बना के देते हैं और एक मैगी ये, दोनों में काफ़ी डिफरेंस है यार। शुभम भाई मैगी में मूंगफली डाल दे क्या? इसके भाई का नाम मूंगफली है ना। नेक्स्ट क्या मिलेगा अब नेक्स्ट खाने में? पॉपकॉर्न के लिए बोल रहे हैं, पॉपकॉर्न मिलना चाहिए, जो भी हो तो लाना। शानदार लोकेशन थी, काफ़ी देर यहाँ पे बिताया, यहाँ पे हमने मैगी कॉफ़ी इनका आनंद लिया, और अब वापस तैयारी कर रहे हैं निकलने की। ओके तो यहाँ नॉर्थ कुल्लू के अंदर भी हमारे जो है एक यहाँ पे जो परमिट है वो चेक किया गया है, और टाइम बजाऊँ तो 3:12 हो गए हैं, और एल्टीट्यूड की मैं बात करूँ तो एल्टीट्यूड अभी यहाँ पर है 4436। चलो भाई चलो 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 चलते हैं दिशकेत। काफ़ी टाइम हमने यहाँ पे स्पेंड कर दिया, ऑलमोस्ट 2 घंटे 1.5-2 घंटे यूज़ किए हैं हमने यहाँ पे। वाह ये जो फ्लैग्स हैं काफ़ी प्यारे लग रहे हैं, मैं जयपुर में देखता था तो सोचता था यार इस बाइक पे लगाऊं, लेकिन मन में यह भी इच्छा थी कि नहीं यार लगाऊंगा तो वहीं से जाके लगाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं।